स्वप्निल वर्मा और आप सभी देख रहे हैं इंडिया डेली डिजिटल। केरल के वायनाड जिले में प्रकृति का जबरदस्त कहर देखने को मिला है। यहाँ के मेपाड़ी के पास पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन की खबर आई है, जिसके कारण कम से कम 11 लोगों की मौत हो चुकी है। यह आंकड़ा बढ़ भी सकता है, जबकि सैकड़ों लोगों के फंसने की आशंका है। स्थानीय आपदा मोचन बल के जवान राहत और बचाव कार्य चला रहे हैं, लेकिन बारिश के कारण कठिन चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। केरल के कई इलाकों में भारी बारिश का कहर लगातार जारी है। मंगलवार को वायनाड से बड़ा लैंडस्लाइड हुआ है। केरल राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने कहा है कि अग्निशमन और एनडीआरएफ की टीमों को प्रभावित क्षेत्रों में तैनात कर दिया गया है। साथ ही एनडीआरएफ की एक अतिरिक्त टीम भी वायनाड के लिए रवाना कर दी गई है। केएसडीएमए की फेसबुक पोस्ट के अनुसार कन्नूर रक्षा सुरक्षा कोर की दो टीमों को बचाव प्रयासों में सहायता के लिए वायनाड जाने के निर्देश दिए गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने भूस्खलन पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा है कि मेरी संवेदनाएं उन सभी लोगों के साथ हैं जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया है, और मेरी प्रार्थनाएं घायलों के साथ हैं। प्रभावित सभी लोगों की सहायता के लिए बचाव अभियान अभी चल रहा है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि केंद्र सरकार स्थिति के अनुसार हर संभव सहायता प्रदान करेगी। वहीं वायनाड के पूर्व सांसद राहुल गांधी ने भूस्खलन की घटना पर अपनी पीड़ा जताते हुए एक्स पर पोस्ट किया है, मैं वायनाड में मेपाड़ी के पास हुए बड़े पैमाने पर भूस्खलन से बहुत दुखी हूँ। मेरी हार्दिक संवेदनाएं उन शोक संतप्त परिवारों के साथ हैं जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया है। उम्मीद है कि जो लोग अभी फंसे हुए हैं उन्हें जल्द ही सुरक्षित निकाल लिया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने मृतकों के परिजनों के लिए 2-2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि की घोषणा भी की। वहीं घायलों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। Possible way to rescue our people. So, Honorable Chief Minister himself has given instructions early in the morning itself, and all hospitals are set, and we have received some 24 bodies in different hospitals, and many are injured. So, they are also every possible way to rescue our people and to give proper treatment is also that's we have ensured that. जानकारी के मुताबिक चुरलमाला टाउन में पुल के ढहने से 400 परिवार फंस गए हैं। ये पुल मुंदक्कई में अट्टामाला तक पहुंचने का एकमात्र रास्ता है। कई लोग घायल हैं, बिजली की आपूर्ति भी ठप हो चुकी है। राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र ने बताया है कि सुलूर वायुसेना स्टेशन से 2 हेलीकॉप्टर्स वायनाड पहुंचेंगे। सेना की मदद से पुल बनाने की कोशिश भी चल रही है। स्थानीय लोग भी रेस्क्यू में लगे हुए हैं। भारतीय मौसम विभाग ने मंगलवार को ही 24 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया था। सोमवार रात भारी बारिश के कारण केरल के 4 गांव मुंदक्कई, चुरलमल्ला, अट्टामल्ला और नुलपूझा गांव भूस्खलन की चपेट में आ गए। आने वाले समय में मौतों का आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। आपको बता दें, साल 2019 में भी वायनाड के इसी इलाके में भूस्खलन हुआ था, जिसमें 17 लोगों की जान चली गई थी और करीब 52 घर तबाह हो गए थे। फिलहाल आपदा के बीच बचाव अभियान जारी है। मेपाड़ी, मुंदक्कई टाउन और चुरलमल्ला में कई इलाकों में भूस्खलन हुए हैं। आसपास के इलाकों के घरों में पानी और कीचड़ भी भर गया है। ऐसे में उम्मीद करते हैं कि और नुकसान ना हो और सभी सुरक्षित रहें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल इंडिया डेली डिजिटल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।